तो क्या चल रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से आपको GTA 5 में वेलकम करते हैं। तो भाई एक हफ़्ता हो चुका है इस बात को, अचानक से मुझे एक फ़िशरमैन की कॉल आती है। तो वो कहने लगता है जहाँ पर हम फ़िशिंग करते हैं, मतलब रोड के थोड़ा दूर है वो जगह, वहाँ पर वह समंदर में फ़िशिंग करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे कॉल किया और कहने लगा है कि वहाँ पर कुछ आदमी देखे हैं ऐसे हमने, जिनका जो ऊपर वाला धड़ है मतलब सर जो है वो टीन के डिब्बे जैसा है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था भाई कि ऐसा हो सकता है। नहीं भाई बिल्कुल, मैंने यकीन ही नहीं किया बिल्कुल। मैंने दो तीन बार उस जगह खुद जाकर देखा है, एक बार सुबह में जाकर देखा है, सुबह में तो कुछ नहीं दिखा मुझे, लेकिन रात में जाकर देखा तकरीबन 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पर जाके देखा तो भाई सच्ची में वहाँ पर लोग मौजूद थे। और वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती उनका सर काट के बलि देते हैं, और वो बलि देते हैं इल्यूमिनाटी के नाम पर। मैंने खुद वहाँ पर ट्रायंगल देखा है, आपको भी दिखाऊंगा अभी। वैसे तो मैं बार बार उस जगह जाता हूँ, मर के वापस आता हूँ, मतलब धुलाई हो जाती है हर बार। तो आज आप लोगों की वजह से मैं फिर से जाऊँगा और वो एरिया क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत फ़िशिंग की जाती है भाई, गरीब लोग वहाँ पर फ़िशिंग करते हैं। और मैंने भाई वहाँ पर जाकर देखा तो मैंने वहाँ पर पहचान लिया कि वो कौन लोग हैं। वो कोई गुंडे वगैरह नहीं है, वो भाई एक मॉन्स्टर जैसे मतलब शेप के हैं वो, और वो मॉन्स्टर हैं साइलेंट हिल्स के। जी बिल्कुल, साइलेंट हिल्स के गेम के मॉन्स्टर हैं। मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन भाई वो मॉन्स्टर हैं। कि यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप मेन रोड के कितनी दूर जगह है ये भाई, कच्चे के इलाके में ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। मैं निशान नहीं लगाता हूँ क्योंकि भाई मुझे रास्ता पता है, बार बार जा चुका हूँ मैं और मर के ही वापस आया हूँ। तो भाई जल्दी पहुँचाते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, जल्दी पहुँचाते हैं भाई उस जगह, और टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं भाई जल्दी। A few moments later. अरे जल्दी कर भाई साहब, अरे जल्दी यार, देर हो रही है यार, दोनों टायर पंचर हो चुके हैं भाई साहब। यार कब पहुंचाएगा ये? अरे बुड्ढे जल्दी करना, पैर लगा जल्दी कर, एक्सीलेटर को पैर नहीं लगाना आता इसको। क्या यार, एक दिन बीत जाएगा यार यहाँ पर। 3:28 AM ओके भाई, फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस एरिया में, बहुत ही खौफनाक एरिया है भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है, और मैं दिखाता हूँ ये क्या है, ये क्या चीज़ है, देखें आप खुद, ये इल्यूमिनाटी का साइन है आप देख सकते हैं। रुक जाओ भाई, ये आप देख सकते हैं भाई, इल्यूमिनाटी का साइन है ये इसके नाम पर बलि चढ़ाते हैं लोगों की, ये आप देख सकते हैं खुद, एक आंख वाला इल्यूमिनाटी। ओके तो अभी दिखाता हूँ मैं, अभी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर वो बंदे मौजूद हों भाई, क्योंकि कभी कभी वो होते हो भाई। वहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, एक मिनट। ये क्या चीज़, ओ भाई कैसी आवाज़ें आ रही है यार, ये देखियो, पिरामिड हेड इज वॉचिंग यू। भाई क्या कह रहे हो यार, अरे क्या है ये, मुझे देख रहे हैं वो। ओ ओ ये देखा, ये देखा, ये टीन के डिब्बे वाला अभी यहाँ पर गया है भाई, ये भूत। अरे भाई ये क्या है, ओ भाई एक मिनट एक मिनट, अरे जल्दी, अबे क्या कर रहा है भाई साहब। भाई ये देखो यार, लोगों की बलियां चढ़ाते हैं ये, और यहाँ पर ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पर भाई, पहले ही बता दूं बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो, लोगों को मार देते हैं ये, और इल्यूमिनाटी के नाम पर बलियां चढ़ाते हैं ये लोगों को। ओके अरे पागल लोग, ये टीन के डिब्बे वाला मुंह है इनका यार, एक मिनट। ओए कौन भाई, ये क्या हो रहा है, ओ भाई ये अभी क्या हुआ, ये ढंड, ओ ये गाड़ी, अरे ये तो लाश वाली गाड़ी है जो लाश लेके जाती है भाई। ओ भाई साहब, अरे यार मुझे पता है भाई, ओ क्या हुआ है, अरे किसकी फट रही है ये, किसकी फट रही है ये देख रहे हो। ओ भाई साहब ये देखो, ये बलियां चढ़ाते हैं भाई, देख रहे हो, जहाँ पर फिशिंग की जाती है मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं, वहीं पर ये कब्जा जमा के रखा है भाई इन्होंने। अरे क्या है ये, अरे ये क्या हुआ, अबे ये कैसे फट गई भाई साहब, नहीं नहीं भाई साहब, ये गाड़ी कैसे फट गई भाई, भाई ये भी फट गई यार, ये मेरी गाड़ी भी फट गई यार, अब कैसे जाऊंगा वापस मैं।
अरे पागल कौन है? ओके फिर से वहीं पर जाते हैं भाई, आवाज़ आ रही है वहाँ से आवाज़ आ रही है मुझे भाई, मुझे डर लग रहा है। ओ ये देखो यार, अरे क्या कर रहा है ये बलि चढ़ा रहा है। रुक जा तेरे को बताता हूँ अभी, इधर देख पिछवाड़े मार दूंगा मैं। ओ ये देखो मुंह देखो भाई, मुंह कैसा है ये? ओ अरे ये किधर, अबे भाई ये क्या हो रहा है? अरे इतने सारे ये, अरे क्या हो रहा है कुत्ते कहीं के? ये ले सही है, मर गए। Three weeks later. मैंने तो पहले ही बोला था भाई मर जाते हैं वहाँ पर, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मर जाते हैं भाई। मुझे कुछ खास करना पड़ेगा और वो एरिया क्लियर करवाना पड़ेगा भाई, गरीब लोगों की बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, हम कॉल करेंगे सुपरमैन को। जी बिल्कुल, मुझसे नहीं होगा भाई, ये इंसान के हिसाब से बहुत ताकतवर है, तो इसीलिए हम सुपरमैन को कॉल करेंगे भाई। कैसा आइडिया है, बिल्कुल ठीक लगा आप लोगों को, है ना? तो बस सुपरमैन को कॉल करते हैं, आ जाओ। ओके तो सुपरमैन जहां पर आ चुके हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे दस हज़ार रुपये चाहिए इस भाई साहब को, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करते हैं भाई, पैसों में काम करते हैं, क्योंकि ये भी इंसान है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बेटियाँ हैं, इनकी भी वाइफ्स हैं। तो अभी चलते हैं आगे और उसी एरिया में चलेंगे सुपरमैन के साथ भाई, ये बहुत पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि इसके पावर के आगे वो रुक पाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं टिक सकते वो। ओके अभी चलते हैं वहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं भाई, एक तो है ही नहीं ना यार, बहुत सारे वहाँ पर, पूरा ग्रुप है उनका। और पता नहीं वहाँ पर क्या नाम लिखा था, पिरामिड हेड, टीन के डिब्बे वाला मुँह। ओह अरे पिस्टल कैसे आ गए इनके पास? ओ भाई साहब इधर आ, तू तेरे बाप का एरिया, चल निकल यहाँ से भाई। भाई भाई ये भूत हैं, मॉन्स्टर है ये। ओ ये कौन से बाजार है, मार दूंगा एक के को मैं। इधर आ तू, ये ले भाई, मारना भी नहीं आता भाई साहब तेरे को। ओ ये देख गोलियां मार रहा है ये देख, अबे चल बे, एक के को मार दूंगा मैं। कौन है और कौन है, किधर से मारा? इधर आ तू, इधर आ, तेरे को कुचल दूंगा, पैरों से कुचल दूंगा तुझे, रुक जा, हट छिपकली। मामूली सा बच्चा है अभी तू सुपरमैन के सामने, पता है तेरे को? वे मार भी ले भाई साहब, यहाँ पर और भी मौजूद हैं भाई, यहाँ पर और भी मौजूद हैं। अरे एक मिनट, ये कहाँ से, अबे यहाँ छुपा हुआ है तू, हैं? हैं? हाँ आप तड़प रहा है तू, और चढ़ा तू इल्यूमिनाटी के नाम पे बलि, चल हट हट। अरे सुपरमैन को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे भाई, एक पानी में भी मौजूद है, रुक जा तेरे को पानी में निलाता हूँ रे, ये ले ना ले, चल। और कौन है भाई? ओ भाई आराम से, एक वहाँ पर है, ये देख रहे हो, वो इसको पता ही नहीं हम पीछे से आ रहे हैं भाई। देखो मुंह यार इसका, पीछे देख ले भाई, ए इधर आ तू, हैं हैं वो भाई, मुंडी तोड़ दी भाई साहब, सारे खत्म कर दिए मैंने, ये लास्ट वन था भाई। ओके यार सुपरमैन इतना पावरफुल है ये, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मुझे पता होता तो पहले ही यहाँ लेकर आता इसको, लेकिन 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, रुक जा इसको ऊपर से फेंकते हैं, आ जाओ चल निकल। ओके म्यूजिक खामोश, तो इसका मतलब मिशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, यस। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो सुपरमैन की कॉल आई है और वो कहने लगा है भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है, अब कमाने पड़ेंगे भाई साहब और उसको देने पड़ेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई वो गरीब लोगों का वहाँ पर एरिया था जो, वो क्लियर हो चुका है और वहाँ पर दोबारा से वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं अब, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी में मैं नहाना चाहूँगा भाई स्विमिंग पूल में। अरे चल भाई, ये बड़ा भाई, चल नहा ले भाई साहब तू, हैं फ्रैंकलिन नहा ले भाई, सही से नहा ले,
10 दिनों से नींद आया भाई, एक तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे भाई उसको कमा कमा के, मैं खुद दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बताऊँगा।